हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरा ये व्लॉग कुछ होने वाला है शादी स्पेशल व्लॉग। सो देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ बस में और यहाँ हमने वॉल्वो बुक करी थी। सो वॉल्वो में मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ अपने ही व्लॉग चला के इस जर्नी को थोड़ा सा मज़ेदार बनाएं। ईयरफोन लगाने का है? दो ईयरफोन नहीं है मेरे पास। सिस्टम है यहाँ पर, सिस्टम हिला दिया इसने तो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं शुभम रिजॉर्ट, जो कि हमारा आज का वेडिंग वेन्यू है। सो यहाँ पर बहुत ठंडी है और ये देखिए गणपति जी की कितनी प्यारी सी मूर्ति रखी थी। और ये रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। सो होटल कम रिजॉर्ट कम रेस्टोरेंट पार्टी हॉल सब कुछ है, ऑल इन वन है। सो अच्छा था, एंट्रेंस में भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट करके रखा था इन्होंने। अनगिरा रिसेप्शन, सो रिसेप्शन में आप आगे अपना बुकिंग्स के लिए देख सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो ये कुछ रूम्स थे जो कि उन्होंने बुक किए हुए थे एंड दिस इज़ फैमिली वाला रूम। हमने इसी के जस्ट नेक्स्ट रूम लिया था जो कि कपल रूम था। मैं उसका क्लिप लेना भूल गई हूँ तो मैंने इसलिए ये वाला रूम लगा दिया कि रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। हम आ गए हैं ग्वालियर और ग्वालियर की ठंड, ओ एम जी। ये देखिए संस्कार एकदम रेडी हो गए हैं। ये रही मैं, ठंड बहुत है लेकिन हमको अपना ड्रेस भी दिखाना है। सो बोला नहीं जा रहा मुझसे तो तो हम आ गए हैं यहाँ पर रिजॉर्ट शुभम और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो आज है लेडीज संगीत। सो ये देखिएगा इतना ब्यूटीफुल सा अंदर का व्यू है। अब आई डोंट नो कि किधर क्या फंक्शन होने वाला है, बट फिलहाल अभी हम पेट पूजा करने जा रहे हैं। देखिए क्या क्या खा रहे हैं हम, पोहा भजिए और ये मिर्च की भजिया और ये मूंग की दाल का हलवा। वाओ नाइस। ये देखिए गाइस, भिंडी की रसम होने जा रही है यहाँ पर। हम लोग खूब सारे फोटोज खींचेंगे, वीडियोज बनाएंगे यहाँ से ही आई थिंक। Oh my God! वो रही ब्राइट, उसका फोटो शूट हो रहा है और हम लोग यहाँ पर। हेलो हैंडसम। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, पूजा हो रही थी और हमने थोड़ा ये अटेंड किया और उसके बाद हम निकल गए प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने में। तो आइए थोड़ा घूमते हैं। यहाँ पर जितना मजा आ रहा है सर।
यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ शाम के फंक्शन के लिए, इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए। मैं हेयर स्टाइल बनवा रही थी बिकॉज़ मैं अपना स्ट्रेटनर वगैरह नहीं लाई थी, तो हेयर स्टाइल ही मैंने सिर्फ करवाई थी और बाकी सारा मेकअप मैंने खुद किया था। तो चलिए मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ गाइस। बैंक्वेट में हमारे संगीत है और एंगेजमेंट है, सो लेट्स गो। आज है मेन शादी का दिन, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद कुछ घर के रीति रिवाज होते हैं, मामेरा एंड कुछ रस्में होती हैं, तो लेट्स गो उन रस्मों में। एंड उसके ये है मेरा आज डे का आउटफिट, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं कुछ घर की रीति रिवाजों में, लेट्स गो। गाइस हमारा आज का नाश्ता सैंडविच, पोहे, ठोकले एंड चटनी, और भी दो चार चीज़ें थी वो मैंने नहीं ली, तो मैंने नाश्ते में सिर्फ ले लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स घर के कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, जैसे मामेरा या बहुत सारे लोग भात बोलते हैं, जिसमें ननिहाल के लोग कपड़े वपड़े लाते हैं, सो यहाँ वो रस्म हो रही थी। तो गाइस देखिए हम आ गए हैं वेडिंग वेन्यू पे, सो यहाँ पर शादी जो है एंगेजमेंट बैंक्वेट में था और शादी लॉन में होगा, सो यहाँ प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर हम लंच करने आए थे, तो लंच में इन्होंने बहुत ही अच्छे से वो थोड़ा सा शाही
भोज टाइप में कराया था, तो नीचे बैठ के, बट हम लोग ऊपर बैठे थे बिकॉज जगह नहीं थी वहाँ। सो हमने ये दाल बटी चूरमा और कस्टर्ड, पापड़, राइस, ये सब कुछ था खाने में। बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही यमी था। तो फ्रेंड्स, शाम हो गई है और बारात आने का टाइम हो गया है। हम सब रेडी होके यहाँ आ गए। तो जितने भी जेंट्स लोग हैं उनको पग बन रही है। एंड ये देखिए, द्वारचार होता है हमारे यहाँ, तो वो दरवाजे पे जब बारात आती है तो वहाँ पर पूजा होती है। तो ये दुल्हन की मासी हैं जो कि थोड़ा तैयारी कर रही हैं। और ये देखिएगा, ये संस्कार बंधवा रहे हैं अपने सर पर पगड़ी। तो पगड़ी बनते ही बारात आ जाती है। तो चलिए इन्जॉय करते हैं बारात। और ये देखिए गाइस, मैं शादी में कैसे रेडी हुई हूँ, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वहाँ से स्टॉल शुरू हुए हैं, ये सारा काउंटर है स्नैक्स। चलो गाइस, बारात आ गई, तो बारात आ गई। फिर स्टेज में जाके हम सब लोगों ने उनको कंग्रेचुलेट किया। और बस यही था हमारा शादी का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा हमारे न्यू कपल्स को। गुड बाय गाइस।